Welcome to my channel Science with Shashi, and today's topic is respiration. In my last video, I told you about the process of nutrition. Okay, the main motto of nutrition is to gain energy. Lekin nutrition ke process mein energy release nahi hui. So what is respiration? Respiration is the oxidation of food to gain energy. It involves two process, breathing and cellular respiration. Breathing is physical process. It is also called external respiration. यानी it is a process of gaseous exchange. जैसे आप लोगों से पूछते हैं अक्सर कि बेटा what is respiration? तो जो general answer आता है that it is taking in oxygen and giving out carbon dioxide. But बेटा वो जो है breathing process है. Respiration is actually क्या होता है कि वो food का oxidation जिससे energy release होती है. ओके अब हम बात करें ब्रीदिंग की तो ब्रीदिंग इंक्लूड्स टू स्टेप्स दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मींस टेकिंग एयर इन. ओके तो इसमें क्या है कि ये देखें जब इंटरकोस्टल मसल्स व्हेन दे मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड और डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड तो वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड. व्हेन वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड देन प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड. राइट तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एंड यू नो एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. सो एयर विल रश इन दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन. अब बात करें एक्सहेलेशन की तो एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस इन विच इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इनहेलेशन. इट इज द प्रोसेस इन विच इंटरकोस्टल मसल्स मूव्स इनवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स अपवर्ड दैट इज वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड. एंड व्हेन वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड सो एयर विल रश आउट फ्रॉम द लंग्स. क्लियर. फिर आता है एक टर्म रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. दिस इज द वॉल्यूम विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स जिससे क्या है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम मिल जाता है और CO2 भी इजिली एक्सपेल आउट हो जाता है. राइट फिर आता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स एंड इट डिपेंड्स ऑन देयर साइज देयर हैबिटेट एटसेट्रा. On this basis, there are types of respiration. For example, branchial respiration, tracheal respiration, cutaneous respiration, and so on. So, let's take one by one. Diffusion. In unicellular organism like in amoeba and in paramecium, these organism respire through their general body surface by the process of diffusion. Okay. फिर second आता है कि semi aquatic जो animals होते हैं semi aquatic organism like leech and earthworm, they respire through their moist skin. This is called cutaneous respiration. In aquatic animals, that means they respire through their gills, which is called branchial respiration. फिर ये जो है आपका land animals में like in insects, there are very small openings which are called spiracles. So they respire through trachea, which is called tracheal respiration. In human beings, we have lungs, so breathing is through lungs. That is called pulmonary respiration. See, इसमें अब दो क्वेश्चन बनते हैं. एक तो ये कि जैसे अमीबा पैरामीशियम में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो क्या ये हमें भी ऐसा ही हो सकता है? इज इट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो? सर्टेनली नॉट. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स और डिफ्यूजन होगा तो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा. एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को टो तक पहुंचने में इट विल टेक अराउंड 3 years which would be क्वाइट डिफिकल्ट. ओके जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगी यानी एनर्जी बॉडी को नहीं मिलेगी. दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में इनकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है इट इज़ वेरी फास्ट कंपेरेटिव टू अदर. क्यों? क्योंकि ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है दे टेक ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर. तो ये जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है वो लेस अमाउंट में होती है. उनको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए सो दे हैव टू ब्रीथ फास्ट. ओके तो इस तरह से इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ओके सो लेट्स सी वी हैव टू नॉस्ट्रल्स एंड नॉस्ट्रल लीड्स टू नेसल कैविटी. इन नेसल कैविटी देर आर फाइन हेयर्स एंड म्यूकस इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ नेसल कैविटी? That means it इसमें जो fine hairs present हैं they act as filter. यानी वो dirt को dust particles को वो वहीं trap कर लेते हैं. दूसरा क्या है कि ये air जो हम inhale कर रहे हैं उसको वो थोड़ा warm कर देती है. Okay तो इसमें भी again एक question बनता है कि
इट इज एडवाइज टू ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स नॉट बाय योर माउथ. तो आई होप इसका आंसर अब आप दे सकते हैं कि जब हम माउथ से ब्रीथ करेंगे तो वहाँ तो हैस नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, डर्ट वाली एयर, गंदी एयर और जो कोल्ड एयर भी है, तो वो जो है एज सच हमारी बॉडी में पहुँच जाएगी, राइट. फिर नेसल कैविटी से एयर जाएगी फैरिंग्स में. फैरिंग्स जो है पोस्टीरियर साइड में इट हैज़ टू ओपनिंग. डॉर्सल साइड में देयर इज ओपनिंग फॉर ईसोफिगस, ईसोफिगस इज ऑल्सो कॉल्ड गलेट. और वेंट्रल साइड में एक जाता है ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, उसकी ओपनिंग होती है. फिर फैरिंग्स के बाद जाएगी लैरिंग्स. अच्छा एक चीज़ और कि फैरिंग्स में विंड पाइप जो है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लॉटिस, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना हुआ. तो ये क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लॉटिस को ढक देता है, जिससे फूड जो है वो इसके अंदर एंटर ना करे, राइट. फिर एयर गई लैरिंग्स में. लैरिंग्स हैज़ टू वोकल कॉर्ड्स और इसके बीच में स्पेस होता है, तो जब ये वाइब्रेट करेगी तो साउंड इज प्रोड्यूस, राइट. फिर जो एयर है वो गई ट्रैकिया में. ट्रैकिया एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ट्रैकिया फर्दर सब डिवाइड इंटू टू, ब्रोंकाई और ब्रोंकस, ये जो है दोनों लंग्स में एंटर कर जाती है. फिर ये ब्रोंकस जो है इट फर्दर सब डिवाइड टू फॉर्म्स ब्रोंकियोल्स, एंड ईच ब्रोंकियोल टर्मिनेट इंटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वियोली. इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियलीज वी फाइंड दैट सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियली. ओके, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि एल्वियलीज का क्या रोल है, या फिर हाउ एल्वियलीज आर डिजाइंड फॉर मैक्सिमम गैशियस एक्सचेंज. ओके, इसका आंसर क्या होगा कि जैसे विलाई हमने पढ़ा था, ऐसे ही ये जो एल्वियलीज हैं, देर आर मिलियंस ऑफ एल्वियलीज इन लंग्स, तो दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया. दूसरा, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, अब इसमें ये देखें कि गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, क्योंकि अभी हमने एयर पूरी इनहेल की है. ओके, ऐसा नहीं है कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, वी हैव इनहेल्ड एयर. तो अब ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगी, सी ब्लड कैपिलरीज जो है वो ब्लड लेके आई है कहाँ से, वेरियस बॉडी सेल से. तो ये जो है ड्यू टू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है वो कहीं ज़्यादा है बजाय जो हमने एयर इनहेल किया उससे. ठीक है, तो ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एयर विल, यानी एयर नहीं CO2 जो है इट विल एक्सपेल आउट. सिमिलर इज द रीजन कि हम जो एयर हमने इनहेल की है उसमें ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हमारी जो ब्लड में ऑक्सीजन है उससे कहीं ज़्यादा है, तो एयर विल कम इनसाइड द एल्वियोलीज, ब्लड के अंदर ये एंटर कर जाएगा. इज इट क्लियर. अब ये देखें कि यदि हीमोग्लोबिन यदि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो तो ये अकेले डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो नहीं सकती है. इसमें क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प चाहिए. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर इज अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है एंड फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इट विल रीच टू वेरियस बॉडी सेल्स. ये देखें अब कैसे होगा कि ये बॉडी सेल का डायग्राम, राइट. फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बॉडी सेल में पहुंचाएगा ऑक्सीजन. ओके, फिर जो है ब्लड न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज लेके आया, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बोथ ऑफ दीज विल एंटर इनटू बॉडी सेल, राइट. फिर ये अभी क्या है कि साइटोप्लाज्म में है, यहाँ पर व्हेन दीज बोथ कंबाइन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो जो है बनता है पाइरूवेट का मॉलिक्यूल. ओके, सो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड. दिस स्टेप इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस एंड इट रिलीजेस 2 ATP. ठीक है, फर्दर जो प्रोसेस है इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तो पाइरूवेट मॉलिक्यूल जो है इट विल एंटर इंटू माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, विच वी विल सी इन आर नेक्स्ट स्लाइड. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू पाइरूवेट और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ड्यूरिंग दिस ग्लाइकोलिसिस 2 ATP आर रिलीज्ड. फर्दर जो प्रोसेस है इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. सी इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन इट एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर.
2 ATP are released during glycolysis और इस समय बनते हैं 36 ATP यानी total 38 ATP are formed. फिर देखें कि if oxygen is deficient in amount. See when oxygen is deficient in amount, तो हमारी जो muscle cells हैं वो anaerobically respire करना शुरू कर देती हैं. See question exam में बहुत आता है कि why do our muscles cramps and how one can get relief from it. तो इसका answer है our muscles cramps due to accumulation of lactic acid in our muscles. Okay, so and how one can get relief? We can get relief from it by taking hot water bath or by oil massage. Okay, clear? And what happens when there is no oxygen? This type of respiration that takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Here, incomplete oxidation of glucose takes place. And during this process, the ultimate products formed are ethanol and carbon dioxide. तो अभी देखें कि इसमें जो है एटीपी रिलीज नहीं होते हैं. जो टोटल अब यदि हम टोटल एटीपी की बात करें तो 2 एटीपी जो कि ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बने वही 2 एटीपी यहाँ पर होंगे और 2 एटीपी पार्शियल ऑक्सीडेशन में होंगे. राइट, अभी देखें हमने बात की एनर्जी एनर्जी. सो हाउ दिस एनर्जी इज रिलीज्ड और किस फॉर्म में रिलीज होगी और इसका यूज कहाँ पे है. ठीक, तो देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी प्रेजेंट होता है. एडीपी दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मींस 2. यहाँ पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच्ड होते हैं. अब क्या होता है जब रेस्पिरेशन होता है तो एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके इससे कंबाइन हो जाता है यानी केमिकल बॉन्ड जुड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी. अब एटीपी एनर्जी रिलीज किसी से कब करेगा कैसे करेगा? देखिए जब भी हमें एनर्जी की जरूरत है जैसे नर्व कंडक्शन के समय या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होगा कि एटीपी फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा इन एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा. समझ आ रहा है? एटीपी 3 फॉस्फेट अब ये ब्रेक डाउन हो गया 2 फॉस्फेट में और एक अब बचा तो ये अलग से रिलीज हो जाता है. तो ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल 30.5 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज्ड. आई होप इट इज क्लियर. एंड दैट इज व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. Aerobic respiration occurs in all higher organisms, like in humans, in plants. So this type of respiration takes place. Anaerobic respiration takes place in certain bacteria or in certain algae and in fungi like yeast. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, whereas anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Then end products of aerobic respiration are carbon dioxide and water, whereas end products of anaerobic respiration are ethanol or lactic acid. Okay, oxidation of glucose in aerobic respiration release 38 ATP, whereas in anaerobic respiration only 2 ATP are released. Aerobic respiration starts with glycolysis, which takes place in cytoplasm, and further reaction takes place in mitochondria. Whereas anaerobic respiration, whole process takes place in cytoplasm only. Then organic compounds like glucose are completely oxidized in aerobic respiration and yield high amount of energy. Whereas in anaerobic respiration, organic compound like glucose, they are partially oxidized or incomplete oxidized. And release very less amount of energy. Now see respiration in plants. देखिए plants में भी animals की तरह ही respiration होता है. बस difference कहाँ आता है कि इसके gaseous exchange के process में. See in animals like us we have perfect respiratory system. और जो gaseous exchange होता है वो alveoli में होता है. लेकिन plants में क्या है कि हर part it behaves like respiratory organ. See plant की leaf में stomata एंड यंग स्टेम्स में छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड लैंटिसल्स. तो उनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है. राइट, और प्लांट्स की रूट्स होती हैं दे ऑल्सो रिस्पायर. एज यू हैव सीन दैट रूट्स पेनिट्रेट इनटू द सॉइल
और सॉइल में क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन है इट एंटर्स इनटू द रूट हेयर्स एंड फ्रॉम वेयर इट एंटर्स इनटू द रूट और जो है CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। सो इफ यू आर आस्क्ड कि प्लांट्स कौन सी गैस इनटेक करती हैं और कौन सी गैस जो है वो रिलीज करती हैं, तो जो जनरल आंसर आता है वो ये कि प्लांट्स जो है दे अनलाइक अस दे रिलीज ऑक्सीजन एंड इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बच्चे ये टोटली गलत है। प्लांट्स भी हमारी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं। तो ये हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है प्लांट्स रिलीज करते हैं? सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्लांट्स टेक ऑक्सीजन जस्ट लाइक अस एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। सो वी कैन से प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखिए नाइट के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता बिकॉज देयर इज नो लाइट, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डजंट टेक प्लेस, उस समय रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे ओनली, वेयर एज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस डे एंड नाइट 24 आवर्स। तो नाइट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि रात में इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक अस। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। If we talk about the mode of oxygen intake, then in animals, oxygen is taken in by lungs, that is by alveoli. Lekin plants mein kya hota hai ki stomata which are present on leaves or woody stem mein lenticels are present or general surface of the roots, in sab ke through oxygen is taken in. Now what is the fate of carbon dioxide produced? In animals, carbon dioxide is released as a byproduct and it is passed in the surrounding. Whereas in plants, carbon dioxide produced is utilized in the process of photosynthesis. Now, what is the source of glucose and oxygen? In animals, glucose and oxygen both are taken from outside and that is by the plants. Lekin plants mein kya hota hai ki these are released during the process of photosynthesis in plants. तो इसलिए ये वहीं के वहीं respiration में consume हो जाता है। फिर बात करने के rate of respiration animals में it is quite high क्योंकि हमारी energy requirement बहुत ज़्यादा होती है, जबकि plants में rate of respiration जो है वो काफ़ी slow है क्योंकि वहाँ पर energy requirement कम होती है। Now end product during anaerobic respiration in animals, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, वैसे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कम होता है लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज या रनिंग के टाइम पे, तो उस समय क्या होता है लैक्टिक एसिड बनता है। जबकि प्लांट्स में जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है दैट इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। एंड इन केस इफ देयर इज एनी डाउट देन रीवॉच द वीडियो एंड आई होप सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।